क्वेश्चन नंबर 9 सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर ये सूत्र या सर्वसमीका है जिसको हम बोलते हैं, तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड साइड में जिसमें भी आपकी गुणा संभव हो उसकी आप गुणा कर सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि हमारे पद मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अगर पद मैच हो रहे हैं तो इसका मतलब ये सत्य है। जैसे कि आप देख रहे हैं x प्लस वाई की गुणा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में करनी है, तो जैसे ही आपने x की गुणा तीनों में की तो तीन टर्म बनेंगे, फिर उसके बाद y की गुणा हम तीनों में करेंगे तो तीन और बनेंगे आपके, जिसमें कि आपका प्लस माइनस होने की वजह से ये सभी टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड जैसा है। इसका मतलब ये सर्वसमीका हमारी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो इसमें आपका देखो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बनना है, ये फॉर्मूला साइड में लिखा गया है, जिसमें अगर ए क्यू प्लस बी क्यू अलग अलग होते हैं तो इसके दो ब्रैकेट बन जाते हैं, जिसमें एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई प्लस के वाई स्क्वायर होता है। अगर पहले प्लस दे रखा है तो आपका पहले प्लस में खुलेगा, उसके बाद आपका माइनस आएगा, और माइनस में दे रखा है तो पहले माइनस में खुलेगा बाद में प्लस आएगा। तो यहाँ पर प्लस है तो पहले प्लस और माइनस है तो माइनस, उसके बाद जो टर्म है उसमें माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है, यानी माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट टर्म बिल्कुल सेम रहते हैं। तो इस तरीके से आप एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपका एक सूत्र लगा है आइडेंटिटी, जिसमें यहाँ पर दिखाई गई है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3ABC बराबर ए प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस के सी ए। इस आइडेंटिटी को आप लिख के पहले याद कर लेंगे, उसके बाद इस सवाल को करके देखेंगे, जिसमें ए बी सी की वैल्यू आपको इसमें ध्यान से बनानी है और इसमें पुट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, सत्यापित कीजिए। सत्यापित करने का मतलब होता है कि हम किसी भी एक साइड को हल कर देंगे, अगर गुणा करनी है तो गुणा कर देंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ब्रैकेट दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आप इनके होल स्क्वायर खोल देंगे। होल स्क्वायर खोलने पर कुछ इस तरीके से पद मिलेंगे, जिसमें कुछ पद कट जाएंगे और जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद कुछ इस तरीके से बनेगा, फिर हम इनकी आपस में गुणा कर देंगे, और गुणा करने पर आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मूला बन जाएगा, जिसमें लिखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई माइनस के वाई जेड माइनस के जेड एक्स। और ये वही आइडेंटिटी है जो ऊपर दिखाई गई थी, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट में लिखा है और राइट हैंड साइड को लेफ्ट में लिखा है। इसका मतलब यहाँ पर ए का मान एक्स है, बी का मान वाई है और सी का मान जेड है। तो इस तरीके से हम इस आइडेंटिटी को, इसको बदल कर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड को बदल कर इसका मान इसमें मैच करा कर लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसमें गुणा भी करा सकते थे, और गुणा करने पर जो भी मान बचेगा वो सब कट के यही आ जाएगा, यानी इसके आपस में गुणा करा देंगे टर्म्स की, तो जो भी हल होकर आएगा वो यही टर्म बनेगा जो यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो तो दिखाइए कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू बराबर 3xyz होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूले में आप देख रहे हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में दे रखा है और उसके गुणा में एक बड़ा ब्रैकेट दिया है, लेकिन जैसे ही हम x प्लस वाई प्लस जेड का मान जीरो रखेंगे यहाँ पर, तो ये गुणा में जीरो होने के बजाय ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 3xyz जो है इधर चला जाएगा, जिसकी वजह से हमारा एक आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स क्यू प्लस के वाई क्यू प्लस के जेड क्यू बराबर 3xy। लेकिन ऐसा तभी संभव होगा जब इनका योगफल जीरो होगा। ठीक है, तो आज केवल इतना ही रहने देते हैं, बाकी प्रश्नों को हम कल हल करेंगे।